স্বাগতম জানাইছো মুখামুখি অনুষ্ঠান আৰু আজি মোৰ সৈতে মোৰ অতিথি পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান ডাঙৰীয়া আৰু আমি 10 জন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিম তাৰে এজন ভগবন্ত মান ডাঙৰীয়া অসমলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে দুজন প্ৰাৰ্থী এবাৰ আম আদমি পাৰ্টি আপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে এক জটিল সময় আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ মুৰব্বী কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া কাৰাগাৰত আছে জটিল সময়ত ভগবন্ত মান ডাঙৰীয়া দিল্লী চৰকাৰৰ ৰাতিশ্ৰী ডাঙৰীয়ানিকে ধৰি কেইবাজনো অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু আজি প্ৰচাৰলৈ আহিছে বিহুৰ বতৰত মই প্ৰথমতেই বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিহু উইচেজ ফৰ ইউ আপকে লিয়ে বিহু কা শুভকামনাই অসম কে সবি লোগোঁ কো বিহু কি বাধাই দেতা হুঁ এণ্ড বৈশাখী কা শুভকামনা হামারি বৈশাখী হ্যায় খালসা সাজনা দিবস হ্যায় 13 অপ্রেল 1699 কো আজ কে দিন খালসা কি সাজনা হুই থি শ্রী গুরু গোবিন্দ সিং জি নে আনন্দপুর সাহেব तो असम के त्यौहार और पंजाब के त्यौहार आपस में मैच करते हैं लोगों का स्वभाव भी मैच करता है कल्चर्ड पीपल हैं कल मेरा स्वागत हुआ नाचते गाते हुए लोगों ने किया हम भी नाचने गाने वाले हमारे भंगड़ा गिद्दा तो कल्चर्ड स्टेट्स हैं फोक कल्चर वेरी रिच असम में भी पंजाब में भी एंड वी हैव ए स्ट्रांग कनेक्शन हमारा स्ट्रांग कनेक्शन है पंजाब से टेक बहादुर जी खुद धुबरी आए थे धुबरी से आए हैं जब जब गुरु साहब का जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब के जन्म हुआ था तब वो असम में थे फिर यहाँ से गए वो यहाँ से गए और गुरु नानक साहब जो पहली पातशाही हमारी वो उदासियों के लिए असम में आए थे तो यहाँ तो दो दो गुरुओं के चरण शो प्राप्त है गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं एंड वी हैव हमारा असमिया सिख असमी सिख से जो हमारे यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जय जय सो दे आर स्टिल हियर वो लोग जितना सारा पंजाब से आए थे वो लोग असमिया सिख बोलते हैं हम लोग असमी सिख बोलते हैं लैंग्वेज असमीज है रिचुअल्स पुराना भी है नया भी है एडॉप्शन एंड दे आर वेरी काइंड ऑफ वो लोग असमीज असमिया समाज का हिस्सा बन गया है डू यू नो वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ असमीज मुझे पता है और दोनों स्टेट जो हैं बॉर्डर स्टेट है बॉर्डर स्टेट पंजाब बॉर्डर स्टेट है असम भी बॉर्डर स्टेट है तो दोनों स्टेट में जो लोग हैं वो इनकलाबी हैं क्रांतिकारी हैं मतलब गुरुओं पीरों की धरती है यहाँ पे भी संत फकीर हुए तो एक तो मैंने पढ़ा है पहले हिस्ट्री में कि अपने मामा का गर्दन काट दिया था कि देश से बड़ा मामा नहीं हो सकता मामा नहीं हो सकता रिश्तेदारी देश तो हम वही वाले हैं हम भी लोग हैं 80% कुर्बानियाँ देश को याद कराने में पंजाबियों की तो हमने भी तो मतलब शहीद आज़म भगत सिंह से कहाँ कहाँ तक के नाम लिखूँगा नाम लिखते लिखते स्याही सूख जाएगी तो अच्छा लगा अच्छा लगा लंबा हिस्ट्री है सो अभी इलेक्शन का माहौल है आप आए हैं असम कैंपेन करने के लिए आप लोगों का दो कैंडिडेट है तो आपका अभी 100 का कैंपेन खत्म हुआ शायद डिब्रुगढ़ का कैंडिडेट मनोज धनवार का अपने रैली पे हिस्सा लिया नाच गाना भी किया और मीटिंग आपका स्पीच भी सुनाया आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया तो क्या लगता है असम में प्रोस्पेक्ट क्या है जो असम के लोगों में मैंने जोश देखा कल वो सेम है पंजाब में देखता हूँ पंजाब के लोगों में ऐसा जोश होता है ये जोश होता है नई कहानी लिखने का तो कल जब मैंने स्पीच में मैंने कहा कि 8000 सरकारी स्कूल बंद क्यों हो गए असम के सरकारी स्कूल बंद हो गए 8000 कहते हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं बच्चे क्यों नहीं हैं इस पे ध्यान देना चाहिए इसका मतलब पेरेंट्स को सरकारी एजुकेशन पे यकीन नहीं रहा ये दिल्ली में भी था ये पंजाब में भी था जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री बने तब भी यही हाल था सरकारी स्कूलों का पंजाब में मैं मुख्यमंत्री बना दो साल हुआ है यही हाल था हमने बंद नहीं किए हमने कहा इसको शुरू करते हैं बाथरूम बनाओ डेस्क लेके आओ पीने के पानी का प्रबंध करो टीचर भर्ती करो हमने तो इतने शानदार स्कूल कर दिए कि प्राइवेट से निकाल के अब सरकारी में हो रहे हैं दाखिल जहाँ का राजा व्यापारी वहाँ की जनता भिखारी ये तो ये अच्छा नहीं है मुख्यमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होती है आपको मुख्यमंत्री बना दिया लोगों ने इससे बड़ा क्या चाह रहे हो भाई आप
मुख्यमंत्री बना के लूटना थोड़ी है जनता को, मुख्यमंत्री बना के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करो। नौकरियां दो, 43,000 नौकरियां दे दी मैंने 2 साल में। 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में। प्राइवेट थर्मल प्लांट नौकरियां तो दी है असम में, 1 लाख का गवर्नमेंट नौकरी हुआ है, लेकिन बाकी का ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी कौन सा मुद्दा स्ट्रॉन्ग है? आप लोग को असम में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइटिंग सीरियस इलेक्शन लड़ रहे हैं और 26 का असेंबली चुनाव आप लोगों का टारगेट है, तो कौन सा मुद्दा है, कौन सा मुद्दे पे आप लोग को वोटर्स को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं? मुद्दे तो देखो जी सेम ही है सारे देश के, करप्शन पूरे देश का मुद्दा है, गरीबी पॉवर्टी पूरे देश का मुद्दा है, महंगाई पूरे देश का मुद्दा है, तो गुड एजुकेशन गुड हेल्थ केयर, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली पानी मुद्दा है। दिल्ली में और पंजाब में हमने करके दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने एक काम बहुत कमाल का कर दिया इस देश में, शायद आज के साल बाद 2 साल बाद हिस्ट्री में लिखा जाएगा। ये नाम की राजनीति की जगह काम की राजनीति शुरू कर दी। काम की राजनीति करो, नाम की राजनीति ना करो कि ये बहुत बड़ा नेता जी इसको वोट दे दो। क्यों भाई, अगर उसने काम ही नहीं किया क्यों दे दें उसको वोट? तो नाम की राजनीति की बजाय काम की राजनीति। स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, आम आदमी क्लिनिक बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तो मैं मान जाऊंगा। अदरवाइज नाम की राजनीति, ये इसका नाम ये है जी इसको वोट दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। डेमोक्रेसी है, लोगों का हक है, लोग जहाँ मर्जी जाए। केजरीवाल साहब के गिरफ्तार के बाद डेफिनेटली ये थोड़ा सा मुश्किल बढ़ गई है कैंपेन करने के लिए। आप लोगों का पंजाब में भी कैंपेन करना पड़ रहा है, गोवा में, दिल्ली में, असम, नॉर्थ ईस्ट में जितना सारा है। तो अभी केजरीवाल जी जेल में हैं, आप ओटीसी जी? देखो केजरीवाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, केजरीवाल एक सोच का नाम बन चुका है। केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जितने केजरीवाल असम में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, हिमाचल में, केरला में, तमिलनाडु में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में जितने केजरीवाल पैदा हो गए, उनको कैसे पकड़ोगे? सोच है केजरीवाल, एक सोच है, पारदर्शिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति। पर इनका ये खुशफहमी या गलत फहमी है कि अरविंद केजरीवाल को अंदर करके ये आम आदमी पार्टी को रोक सकते हैं। हैं हम उसी केस में संजय सिंह को जमानत मिलती है तब ईडी कहती है हमारे पास कोई सबूत नहीं। उसी केस में अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया, 2-3 महीने बाद जब अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालेंगे ना, तब भी यही कहेंगे ईडी वाले हमारे पास कोई सबूत नहीं, बस इलेक्शन तक रोक के रखो इस बंदे को, ये बंदा जहां जाता है वहां भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता है। रोक के कैसे रख लोगे आप? हम हैं ना, हम उनके सिपाही हैं, तो मैं असम आया हूँ, मैं प्रचार करूंगा। मेरे तो 1 जून को इलेक्शन है लास्ट फेज में, यहाँ पे पहले तो मेरी टीम ने, जो असम की टीम है, उन्होंने अरेंज किया। मैं कल आया, कल आपने रैली देखी, क्या दिहाड़ी पे लाए थे लोग, कितनी जनता थी और क्या रिस्पांस आ रहा था, इनकलाब जिंदाबाद का रिस्पांस आ रहा था, भारत माता की जय का क्या रिस्पांस आ रहा था। तो ये गलत फहमी में, ये खुश फहमी में है कि ऐसे जेल में बंद करके किसी नेता को आप पार्टी को रोक सकते हो। क्या इनपुट है? 2 युवा असम में इलेक्शन पे लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी का टिकट पे, क्या रिजल्ट हो सकता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? 4 जून को विक्ट्री होगी और असम जो है दिल्ली और पंजाब के बाद असम एक ऐसा राज्य होगा जहां से इनकलाब उठेगा आम आदमी पार्टी, मुझे पूर्ण यकीन है इस बात पे। क्योंकि कल मैंने लोगों के, मैं मिला भी हूं रास्ते में जाते हुए लोगों को, मैं मिला अपना काफिला रोक के, क्या चाहते हो? कहते जी बस हम आम आदमी पार्टी को चाहते हैं, झाड़ू चाहते हैं, केजरीवाल को चाहते हैं। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, 2026 में यहाँ चुनाव है, 2026 में चुनाव है अप्रैल में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। पर यू हैव जस्ट स्टार्टेड, आप लोगों ने सिर्फ शुरुआत किया है। तीनसुकिया में एक म्यूनिसिपल बोर्ड का मेंबर एंड गुवाहाटी म्यूनिसिपल बोर्ड में एक आप लोग का प्रतिनिधि है, सिर्फ 2 से स्टार्ट किया है, अभी लंबा दूरी जाना बाकी है। इससे पहले देखो ना दिल्ली में क्या हुआ, 70 में से 67 कौन थे सारे
आम घरों के बेटे बेटियां। पंजाब में 4 MP आए थे सीधे ही 14 में, मैं भी था उसमें संगरूर से। उसके बाद 20 हमारे MLA आए, हम विपक्ष में आए 17 में, 22 में हमारी सरकार है 92 आउट ऑफ 117 और बीजेपी के कितने हैं 2। तो ये नहीं है कि आप अभी आपका लंबा सफर चलेगा, तो जनता जब मूड बनाती है ना तो बनाती है बस। तो पब्लिक है, जिसको चाहे अर्श पर, जिसको चाहे फर्श पर। शायद इस इलेक्शन में भी मैं ओपिनियन पोल का रिजल्ट देख रहा था हर एक चैनल एंड न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, तो पंजाब में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, हर एक का ये कहना है। बाकी का जो भी हो, यूपी बिहार में मैं ओपिनियन पोल नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, नहीं देखता, क्योंकि ओपिनियन पोल में तो पंजाब में कभी 92 दी नहीं उन्होंने। ओपिनियन पोल में तो 62 दोबारा दिल्ली में नहीं दी। ओपिनियन पोल ने तो दिल्ली MCD में भी बीजेपी को विनर बनाया था। ओपिनियन पोल क्या, सैंपल कितना ले लोगे आप, 1000 बंदे का, 2000 बंदे का, 40,000 बंदे का ले लोगे सैंपल? एक विधानसभा में 1.5 लाख वोटर है, आप 117 विधानसभा का 40,000 से कैसे आप गैस कर सकते हो? नहीं बताते सच लोग, लोगों ने अपना मन बनाया होता है, वो दबाते हैं बटन, नहीं बताते लोग सच। तो मेहनत पे यकीन करता हूँ, ओपिनियन पे नहीं। अभी केजरीवाल जी जेल में है, सरकार चलाना इतना आसान होगा? गवर्नमेंट प्रेशर डाल रहा है और ऐसा बोल रहा है कि प्रेसिडेंट रूल डालने का भी कोशिश करेगा। क्यों प्रेसिडेंट रूल क्यों? अरे वही आप बोलिए क्यों नहीं, मैं बताता हूँ ना, कौन से कानून में लिखा है कि सिटिंग CM को अंदर कर दोगे और उसको इस्तीफा देना पड़ेगा? जेल से अंदर से सरकार चल सकती है। सुब्रतो सारा को दफ्तर बना के दे दिया था कि आपने पैसे साइन करने हैं या कागज साइन करने जेल में, हेल्पर दिया, कंप्यूटर दिया, एक अलग सा कमरा दिया, बिजी करने के लिए सेटअप दिया सुब्रतो सारा को। हाँ दिया, तो फिर मुख्यमंत्री जो कि दोषी नहीं है, आरोपी है, वो तो दोषी था, वो तो कन्विक्टेड था, उसको अगर दे सकते हैं तो हमारा हम भी दोषी थोड़ी हैं। चलेगी सरकार अंदर से? हाँ, राष्ट्रपति राज की बातें क्या करते हैं, राष्ट्रपति राज लगाना इतना आसान है। मुझे भी धमकी दे चुके हैं पहले मेरा गवर्नर, मैं 356 लगा दूंगा अगर आप मेरे वाह वाह सवाल का जवाब नहीं देते। डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड चलते हैं। LG इज अ सिलेक्टेड, गवर्नर्स आर सिलेक्टेड, मुख्यमंत्रीज, मंत्रीज, MLAs आर इलेक्टेड। पब्लिक से सुना गया डायरेक्टली। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। সেইসমূহ पंजाब के बारे में एक दो सवाल है। आप तो जानते ही है कि खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी लीडर्स असम के जेल में है, तो आप क्या कैसे उन लोगों को क्या बोलते हैं पता नहीं, वर इज दी पंजाब के लीडर अमृतपाल सिंह जी एंड ऑल, इसको लेके पंजाब में भी बड़ा चर्चा हुई है, असम में भी हुई है। देखो पंजाब एक शांतिपूर्वक स्टेट है, देश भक्तों की धरती है, इस देश को आज़ाद करवाने में 80% पंजाबियों की कुर्बानियाँ हैं, तो हम अपना देश मानते हैं इसको। तो शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराबा, लाला लाजपत राय, इतनी बड़ी हमारी हिस्ट्री है, लेगेसी है। तो हम इस देश को अपना देश मानते हैं क्योंकि हमने लेके दिया देश। लेकिन वहाँ पे कोई 2-4 बंदे अगर कोई ख़राब करना चाहते हैं, कोई अमेरिका वगैरह कनाडा वगैरह बैठे हैं, उनकी दुकानें वहाँ चलती हैं, उससे पंजाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब की जो धरती है बहुत फर्टाइल है, बहुत फर्टाइल लैंड है, जो बीज बीजोगे उग जाएगा, लेकिन नफ़रत का बीज नहीं होता वहाँ पे। पंजाब में नफ़रत का बीज कभी नहीं उगने देंगे और ना ही उगेगा। अभी पंजाब दरअसल में ही एक बुरी हाल से गुजरे है, ये बीट इंसर्जेंसी हमने असम में भी देखा है, सेम ही हाल है। ये KPS गिल असम में भी पुलिस ऑफिसर था, बड़ा वाला
जो एंटी मूवमेंट ये किया था पंजाब में भी किया था। सो उसके बाद ड्रग्स का एक मिनेस आया पंजाब में, तो वो भी पंजाब के युवाओं को बहुत kind of एक सिचुएशन में डाला है। हालांकि पंजाब का यूथ स्पोर्ट्स में आगे है, डिफेंस में है, स्किल सबसे आगे है, हार्ड वर्किंग है, दुनिया भर में फैला हुआ है। पिछले थोड़ा सा पिछले दो साल से पंजाब रंगला पंजाब, मतलब जैसे आप यहाँ पे बिहू कह, हमारे यहाँ रंगला पंजाब बोल, रंगला पंजाब बोल रहे हैं, मतलब कलरफुल पंजाब। पंजाब दो साल से बहुत तरक्की कर रहा है, ईमानदार सरकार आ गई, मुख्यमंत्री का कोई अपना स्कूल नहीं है, मुख्यमंत्री की कोई अपनी बस नहीं है, मुख्यमंत्री की कोई अपनी माइनिंग का काम नहीं है। तो इस वक्त पंजाब में आपने स्पोर्ट्स की बात की, देश की हॉकी टीम 11 प्लेयर हैं, 11 में से 9 पंजाब के हैं, हरमनप्रीत से लेके, गुरजंट से लेके, शमशेर से लेके, और उनको हम ये प्रोत्साहन कर रहे हैं खेलिए। इस बार पहली बार हुआ है हिस्ट्री में, एशिया जब हुआ था 32 मेडल आए टोटल देश के, 20 पंजाबियों के हैं, सबसे ज्यादा पहली बार, आजादी से भी पहले कभी नहीं आया ऐसा 20। और हम उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देते हैं गोल्ड का, और ऐसा नहीं है जैसे चलो गोले में टूर है उसने मतलब जीता उसको करोड़ मिलेगा, इंडिविजुअल गेम है। हॉकी की टीम ने गोल्ड जीता इसका मतलब ये नहीं है हम 11 को करोड़ देंगे, हम हमारे जितने पंजाब के 9 के 9 हैं, 9 के 9 को 1-1 करोड़ देंगे हम। तो हम जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि आने वाले बच्चों को भी पता चले कि हम भी हॉकी खेल सकते हैं, हम भी एशियाड में या ओलंपिक में पोडियम फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारी सरकार का जो है बजट है, शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य, तीन का बजट सबसे ऊपर। अभी पंजाब का जो जनता है जितना दूर मुझे मालूम है एक्सपेक्टेशन से कि ड्रग्स फ्री पंजाब फर्स्ट, डेवलपमेंट्स डेफिनेटली दिल्ली में जो सारा काम किया है उसका रेप्लिकेशन होना से, तीसरा करप्शन फ्री पंजाब, ये तीनों मुद्दे पे आपका काम अभी कितना आगे बढ़ रहा है? काफ़ी जर देखो हमने करप्शन को रोकने के लिए हमने एक नंबर दिया है टोल फ्री नंबर, आपसे कोई भी पैसे मांगे कोई दफ्तर में तो जेब में हाथ तो डाल लेना लेकिन पैसे ना निकालना, उसकी फ़ोटो कर देना, बाकी काम हमारा है। 750 से ज़्यादा अंदर हैं जो अफसर या बाबू जो पैसे मांगते थे, तो एक डर पैदा हो गया कि हम कभी भी अंदर जा सकते हैं, वो हो गया। और डेवलपमेंट में टाटा स्टील, उनका लुधियाना में सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर देश में प्लांट है, नहीं लग रहा अभी है। आ रहा है, लग रहा है, लग रहा है। सनातन टेक्सटाइल है, गोदरेज है, एवन साइकिल हमारा पहले ही है, हीरो साइकिल हमारे पास पहले ही है, सोनाली का ट्रैक्टर हमारे पास पहले ही है। तो पंजाब जो है इस वक्त, पंजाब इज़ द बेस्ट स्टेट टू इन्वेस्ट, जो भी जर्मनी की 3-4 कंपनियां हमारे पास आई, तो पंजाब अब बहुत ऊपर जा रहा है। 3 लाख बच्चे को काम मिल गया, 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है सिर्फ, मैं MOU नहीं कह रहा, इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट। हाँ, हमने कलर कोडिंग कर दी स्टैम्प पेपर्स की, उससे करप्शन ख़त्म हो गई। आपने फैक्ट्री लगानी है आप हमें ज़मीन बता दो, ज़मीन हम देख के आएंगे, उसमें CLU भी, उसमें फायर भी, उसमें पोल्यूशन भी, सारे जाएंगे और आपको 14 दिन आपको लेंगे, 14 दिन के बाद आपको कहेंगे आप ज़मीन खरीद लो, लेकिन आपको ग्रीन स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, उस ग्रीन स्टैम्प पेपर में सारी जो NOCs हैं वो इंक्लूडेड है, थोड़ा महंगा हो सकता हो लेकिन आपको ज़िंदगी में कोई तंग नहीं करेगा। फिर अगर 2 साल बाद आपके पास कोई बाबू आया, जी दिखाओ कागज, आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर दिखाना है, दैट्स इट, इसका मतलब आपने सब कुछ पे कर रखा है। इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? BJP बोल रहा है अब की बार 400 पार देश में, अब की बार 400 पार, आपका क्या राय है क्या मतलब? अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, देन कौन गवर्नमेंट करेगा?
जनता बताएगी, ये धन जनता का डिसीजन होगा, फतवा जो भी सर माथे पे लेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ये कह रहे हैं इतना हो नहीं रहा, क्योंकि लोग भी अंदर अंदर से तंग हैं, अंडरकरंट बोलते हैं इसको, लोग बहुत दुखी हैं कि ये तो तानाशाही हो गई, उठा के किसी को भी फेंक दो अंदर, लड़ने नहीं दोगे विपक्ष को। तो पंजाब में तो मैं कह सकता हूँ 13-0 पंजाब बनेगा हीरो, 13-0 नेशनली इंडिया लाइंस में आप लोग हिस्सा हो, लेकिन असम में आप लोग अलग से। इंडिया लाइंस का ही है तो मनोज आप हमारा नहीं, वो तो अभी कांग्रेस का। नो, हमारे पास देखो कांग्रेस इज ए पार्ट ऑफ इंडिया लाइंस, ठीक है ना। तो इसमें तेजस्वी की पार्टी है, इसमें अखिलेश की पार्टी है, ममता दीदी की पार्टी है, विजयन साहब की पार्टी है, स्टालिन जी की पार्टी है, अपना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी, सारे हेमंत सोरेन जी की पार्टी। तो इंडिया लाइंस का असल में जो कैंडिडेट है वो मनोज जी, इंडिया लाइंस की तरफ से हो रहा है। और तेजपुर में भी आप लोग का कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है, कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, पंजाब में मैं 13-13 लड़ रहा हूँ, इसमें क्या, जहाँ हो गया ठीक है, संविधान बचाना है, जीत के कहाँ जाएंगे, जीत के तो इकट्ठे होंगे, तो जहाँ जो जीत रहा है जीतने दो। 10 साल बाद अरविंद केजरीवाल को कहाँ देखते हैं आप? 10 साल 5 साल बाद, 5 साल 29 में भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, भारत की सबसे शक्तिशाली पार्टी का प्रधान अरविंद केजरीवाल। लेकिन वो जेल में सर्वाइव करके निकल आना पड़ेगा। ये जेल वेल हमारे लिए कुछ नहीं है, पहले भी जेल वेल हम गए हैं, ये कभी आप तो जिंदगी में कभी जेल गए नहीं, इनको लगता है पता नहीं जेल में क्या। अरे जब लोग साथ में हों तो जेल कैसी। मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। फाइनल क्वेश्चन, ये जर्नी आपका कैसा रहा? आप एक कॉमेडियन था, अभी CPCM हो, अभी नेशनली आप कैंपेन का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले। मैं तो पहले भी जाता रहा हूँ अरविंद जी के साथ, बेंगलोर में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, तो अरविंद जी मेरे को साथ लेके जाते थे हर वक्त, मेरे छोटे मतलब मुझे छोटे भाई के तौर पर वो ट्रीट करते, मेरे बड़े भाई हैं वो। जब मेरी शादी हुई थी तो जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब से लामा होती हैं, तब बोला जाता है कि लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता खड़े हो जाएं। मेरे पिताजी है नहीं, 2011 में वो स्वर्गवास हो गए थे माता जी, तो मेरे पिताजी के तौर पे बड़े भाई, फिर अगर पिताजी ना हो तो बड़ा भाई खड़ा होता है फिर पिता के तौर। तो अरविंद केजरीवाल साहब मेरे पिताजी के तौर पे गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने खड़े हुए। हमारे धर्म में इससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं हो सकता कि बड़ा भाई जो होता है वो बाप के बराबर ही होता। तो ठीक है, अंदर चले गए, कोई बात नहीं, हम हैं और एक भी कमी नहीं आने देंगे। अपनी मेहनत को 12 घंटे से 20 घंटे कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच को कोई हम दाग नहीं लगने। ये फैटल अगर बीजेपी हार जाए, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इस साल हारेगा, लेकिन अगर हार जाए तो इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टरियल फेस कौन होगा? ये तो डिसाइड करें, मैं यहाँ बैठ के आपको बता नहीं सकता। फिर भी ये तो बहुत ही सीनियर लोग हैं वहाँ इंडिया अलायंस में, वो कर सकते हैं, मैं उसमें अभी नहीं बोल सकता। थैंक यू मान साहब, समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। और ये आसिल भगवान मान डांगरिया, पंजाबर मुख्यमंत्री, অসমলৈ নির্বাচনী প্রচারৰ বাবে আহিছে। আম আদমী পার্টির দুজনক প্রার্থী আছে, তেওঁলোকৰ হৈ অভিযান চলাই আছে গুরুত্বপূর্ণ দুজন প্রার্থী, ডিব্ৰুগড়ত সর্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে, আৰু তেজপুৰত তেওঁলোকৰ প্রার্থী আছে ঋষিৰাজ কন্দিন্য, যি বিজেপি পার্টিৰ বিৰুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। মই পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনালো আপোনালোকৰ প্রার্থীলৈ আৰু আপোনালৈ, আৰু অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিলো, ধন্যবাদ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।